हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस अग्रवाल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के अंदर अपना एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट लेसन इज पॉलीनोमियल्स। तो नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल्स का, और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम पता है हमें कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है हमें, है ना, और इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 4 के इक्वल है। तो हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है, लेट अस से दो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर है -6, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहां पे ए, है ना। तो क्या हो जाएगा, -6/a, इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 4 के इक्वल गिवन है। तो यहां से हम ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6/4 इज इक्वल टू -3/2, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3/2। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन पे हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल 2x² + 5x + k, सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। सेम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हमने लिया फिर से। इसके अंदर हम आज जो क्वेश्चंस ले रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर उसके जो जीरोज हैं, अल्फा बीटा जो भी जीरोज हैं, उनका क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, मतलब स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, उस तरह के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें बातें पता है हम वो लिख लेते हैं, क्या क्या, अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो उन दोनों के जीरोस का जो, इस इक्वेशन के जीरोस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, है ना, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज -5/2। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, अभी यूज, कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि के अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब इस रिलेशन का यूज कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हमें थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो चीज लिखी गई है इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, है ना। देखिए इसके अंदर क्यों ना, देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है मुझे, है ना। इसमें मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा को मैं ऐड कर सकता हूं और फिर अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, है ना। मैंने अपने मन से क्या किया, हमारा मन है, अल्फा बीटा ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा देखिए ये क्या हुआ, ये टर्म आप लोग ध्यान से देखिए, हम ये टर्म को जानते हैं पहले से भी, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो जाना माना एक्सप्रेशन है हमारा, है ना। ये एक्सप्रेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा उसमें से अल्फा बीटा माइनस हो रहा है ना। तो ये जो है हमारा, ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। हमने क्या किया, उसको एक अलग तरीके से लिख लिया। इस तरीके से लिखने का फायदा क्या हुआ, हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर पाए, है ना, इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर पाए हम लोग। तो अब देखिए यहां पे इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 21/4 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना, 25/4 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 - 21/4 विच इज 4/4 इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमारा एक्सप्रेशन का आंसर आ गया, है ना, 20 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 - 21/4 विच इज 1 आ गई। और हमें निकालना क्या था, निकालना क्या हमें, देखिए निकालना क्या, वो हम भूल ही गए थे, k की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखिए अब k की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, इस इक्वेशन में, कौन सी, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी,
तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, k अपॉन 2, और k इज इक्वल टू 2, है ना। तो दिस इज द आंसर, k इज इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन यहां पे करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हू जीरोज इज 5/2 एंड प्रोडक्ट इज 1। सिंपल क्वेश्चन, अगेन वन मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, लेट अस से दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज fx या px, कुछ भी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम किसी स्केलर के से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेयर के शुड नॉट बी जीरो, नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन हमारा, क्या आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, या जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमारा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस। देखिए हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, 5/2 है ना, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हो जाएगा वो, है ना, एलसीएम लेके भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, इजी क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन आज रूट्स या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमारे जीरोज होते हैं उसके ऊपर ले रहे हैं आज हम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, अब देखिए क्या बोला इसने, 2/3 और -3 इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। तो लेट अस से हम इस पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं f(x). तो f(x) हमारा है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए 2/3 और -3 इसके जीरोज हैं, 2/3 और -3 इसके जीरोज हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं 2/3 और -3 रखूंगा, किसी भी मतलब जीरो का क्या मतलब होता है, ये और ये दो वैल्यूज अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2/3 विल बी जीरो, एंड एट x इज इक्वल टू -3 विल ऑल्सो बी जीरो, है ना, सिंपल सी बात है, यही हमारा बेसिक है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। अब तो क्वेश्चन सिंपल सा रह गया, यहां पे 2/3 रख देते हैं इसके अंदर एक्सप्रेशन में, तो क्या आ जाएगा a इंटू 2/3 का स्क्वायर, यहां पे x की जगह 2/3 रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, या फिर यहां पे एलसीएम देखिए क्या आएगा, 9 और 3 है तो 9 ही आएगा, 9 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, देखिए क्या आ जाएगा 4a प्लस, यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर, 3 2 और 7, 3 इंटू 2 6 एंड 7 42 आ जाएगा प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने ये हमने किससे निकाला, इस वाले से, अब अगर मैं f of -3 = 0 का यूज करूं तो यहां पे मैं -3 रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा 9a प्लस 7 इंटू -3 दैट इज -21 प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास a का कोफिशियंट 4a है, मतलब a का कोफिशियंट 4 है और यहां पे a का कोफिशियंट 9 है, तो या फिर हम b का कोफिशियंट भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए b का कोफिशियंट यहां 9 है, यहां पे b का कोफिशियंट 1 है, तो हम इस वाले को सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 81a प्लस 9b, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 9 आएगा एंड 18 इज इक्वल टू 0,
ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 81A में से 4A माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 81A माइनस 4A करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77A प्लस 9B से 9B माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 189 में से 42 माइनस कर देंगे तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, माइनस 189 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 77A माइनस 1 कैरी 5 23 इज इक्वल टू 0, 77A इज इक्वल टू 23, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। 7, 3, 21, देखिए यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, और 210 प्लस 21 तो सही हो, A की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही हमारे पास A की वैल्यू 3 आई तो हम किसी भी इक्वेशन में, मान लेते हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कौन सी वाली में, इस इक्वेशन में, तो A की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या आएगा, मैं यहां लिखता हूं 27 माइनस 21 प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर बी प्लस 6 0 और बी इज इक्वल टू माइनस 6, है ना। तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 आ गई, B की वैल्यू माइनस 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें, जीरोस की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन अब कह रहा है कि अगर ये फिर से वही बात है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है 1/α - 1/β। जितने भी मैंने क्या बताया आप लोगों को, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हमें जो चीज पता है हम वही लिखेंगे। क्या पता है हमें, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है वो, यहां से आ जाएगा माइनस वन, एक्स का कोफिशियंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और माइनस साइन लगा दिया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, ये दोनों बातें हमें क्लियर है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 1/α - 1/β जो होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एलसीएम लेके, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो यहां आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, है ना। तो देखिए अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, सारा खेल तो यही है हमारा, है ना, ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। बीटा माइनस अल्फा कैसे आएगा, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ना निकाल के एक चीज का यूज करते हैं। देखिए हम क्या, हमें पता है एक चीज कि बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, देखिए पहले मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, हम निकालना चाहते हैं इस चीज को, कैसे हम यहां पे आएंगे, देखिए ध्यान से, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2α β, है ना। अच्छा, और एक एक्सप्रेशन मैं और लिखता हूं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये भी लिख रहा हूं मैं इस टर्म को निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो होता है वो होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2α β, है ना। तो इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब ये माइनस करेंगे तो बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 2α में से माइनस 2β माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4α β, क्या आ जाएगा, 4α, 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4α β। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4α β, अल्फा बीटा की वैल्यू भी नोन है, तो 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8। यहां से हम बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा वो, 1 + 8 यानी कि 9 आ जाएगा। सो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर -3 हो सकती है ना, ये दो वैल्यू पॉसिबल है। बस जैसे ही हमारे पास आया ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है, अब यहां पे हम बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1α - 1β इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू या तो अगर हम 3 पुट करें तो 3 upon α β इज -2, या तो ये आंसर हो सकता है, और इसकी वैल्यू अगर -3 पुट करें हम बीटा माइनस अल्फा की, तो -3 upon -2 विच इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर बस जो हमारे मेन जो बात है वो एलजेब्रिक मैनिपुलेशन में ही है, यहां पे भी हमारी, है ना।
अच्छा दूसरा तरीका ये आप लोग कह सकते हैं कि देखिए ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने इतना सब क्यों किया इसके लिए, है ना। मैं अभी इसको इरेज करता हूं। एक सिंपल सा तरीका आप कहेंगे कि ये देखिए ये तो फैक्टराइज ही हो जाता है ना, आप कहेंगे ये तो फैक्टराइज ही हो जाता, कैसे, इसमें ये सब करने की क्या जरूरत थी, फैक्टराइज हो जाता ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, और फिर हम इसको एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन लिख लेते, और फिर इसको फैक्टराइज करते एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू में, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर माइनस टू हो सकती है। तो आप कहते हैं हम तो डायरेक्टली अल्फा बीटा ही निकाल लेंगे, है ना। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लेते, लेकिन हर बार ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसको आप फैक्टराइज कर पाओ। तो आप कह देते वैसे कि ये अल्फा है मेरा, ये बीटा है, या फिर ये बीटा है और ये अल्फा है, दो केसेस आते हैं, आप दोनों से आंसर लिख देते। लेकिन हर बार इतना सिंपल नहीं होगा, तो हमें वो मैनिपुलेशन जो मैंने की थी वो सीखना जरूरी है ना। हर बार ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तब फिर हमें उसी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। सो दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन, आई होप आपने सीखा होगा कुछ नया इस पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, देखिए इस सारा खेल जो है इसी में छुपा है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, लेट अस से जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा और बीटा जो जीरोस हैं इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 144, है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब बोल रहा है कि अब देखिए जो हमें बातें पता है हम फिर से वही लिख लेते हैं, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस पी के इक्वल, माइनस पी के इक्वल, और अल्फा बीटा जो होगा वो 45 के इक्वल होगा, 45 बाय 1 के इक्वल या 45 के इक्वल होगा, है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, यही हमने सेम क्वेश्चन जो पीछे यूज किया था ना उसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम अल्फा माइनस बीटा को हम होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, कैसे, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था याद है ना आप ही को, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, हाँ इसी क्वेश्चन के अंदर हमने जो यूज किया था बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर निकाला था ना हमने, तो उसको बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया था, सिमिलर हम चीज यहां पे करने वाले हैं ना। तो मैंने अब यहां पे इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया, ये आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत इजी है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 144। अब बचा क्या क्वेश्चन के अंदर, ये दो चीजें हमें पता है, यहां पे हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस पी, जिसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 45, है ना, अल्फा बीटा इज 45, ये 144 के इक्वल है। तो पी स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 144, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180 विच इज 324, पी स्क्वायर इक्वल टू 324, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी कितना आ गया, प्लस और माइनस 18 स्क्वायर पता है ना सभी को 324 होता है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 18। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन, आज फर्स्ट सेशन हमारा था पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने क्वेश्चंस देखे सारे जो कि क्या थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड थे, है ना। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आर एस अग्रवाल। ओके, थैंक यू।